नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं टीम का गठन कर अलग अलग राज्यों में पहुंचाया गया है, जिससे ड्रग माफियाओं की कड़ी जुड़ सके। इंदौर के परदेसीपुरा थाना पुलिस ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 1,20,000 रुपये की 12 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। आरोपी से जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि आरोपी उक्त ब्राउन शुगर नीमच से लेकर इंदौर आता था और यहां पर उसे सप्लाई करता था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि उस पूरे मामले में प्राथमिक तौर पे जो 5-6 लोग गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद से पुलिस ने दूसरी कड़ी के उन लोगों को जो कि सबसे बड़ी कड़ी के रूप में काम कर रहे थे, ऐसे 5 लोगों को और गिरफ्तार किया। वो न सिर्फ इंदौर बलकि अलग अलग 4 से 5 राज्यों में उनका ये नेटवर्क फैला हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे अलग अलग प्रदेश शामिल हैं। इन लोगों से बहुत सारी जानकारियां मिली हैं, जिनके बारे में हमारी टीम काम कर रही है। कुछ टीमें बाहर भी गई हैं। फातिफात पुलिस का अब जो अगला फोकस है कि स्थानीय स्तर पर इन लोगों से कौन से वो लोग थे जो कि इनसे लेकर के और जो नशे के व्यापार की अगली कड़ी तक पहुंचाते थे, या मुख्य तौर पे जो युवक इस नशे के दुष्चक्र में थे वहां तक इसको पहुंचाते थे, उन लोगों की पुलिस पहचान कर रही है। और फिर इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।